हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। खुश रहिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो यार, ठीक है। डेडिकेटेड डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो, ठीक है। किसी महान आदमी ने कहा है कि यार जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है यार, ठीक है। टैलेंट फेल हो सकता है, ठीक है, बट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, ईमानदारी से किया गया मेहनत, ठीक है, ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो पूरी ज़िंदगी भर यार। कोई आदमी कितना टैलेंटेड है इससे मतलब नहीं रहता है। क्या वो अपने टैलेंट को इम्प्लीमेंट कर पाया, क्या अपने टैलेंट से वो रिजल्ट ले पाया जो उसको चाहिए था, दैट इज़ द सक्सेस, ठीक है। आया समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल, अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के न्यूमेरिकल, खास करके जेई मेंस में और एडवांस में पूछे गए हैं, तो इनको मैं आपको करवाता हूँ। इसमें क्या होगा, ये वेरिएबल एक्सप्लेनेशन के प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो चलिए, पहला है द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन, ठीक है। अब एक इक्वेशन है, जैसा आपकी बोर्ड पर देख रहे हो कि ये इक्वेशन है, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। अब मोशन ऑफ ए बॉडी जो है वो कुछ इक्वेशन से दिया हुआ है। दिस इज द इक्वेशन, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डी वी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम डी टी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 6 - 3 वी, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको सिंपल सिंपल लिख सकता हूँ मैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 - 3 वी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये पूछता है, इफ द बॉडी वॉज एट रेस्ट इट इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो बॉडी जो है वो रेस्ट में थी, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा। द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट, द टर्मिनल स्पीड। अब आपको समझना होगा कि इधर टर्मिनल स्पीड बार बार पूछा जाएगा, कोई रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी एयर में मूव कर रही है, काइनेमेटिक्स में एयर में चल रही है, फ्लूइड में चल रही है, तो उसमें एक टर्मिनल स्पीड आता है फिजिक्स में। तो कहीं भी इसको यूज करना, आप टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है, कॉन्सेप्ट है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए फ्लूइड, ठीक है, एयर वाटर इसमें किसी में भी अगर कॉन्स्टेंट स्पीड से चलती है तो टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है टर्मिनल स्पीड या वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि दैट इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 चला गया। तो यहाँ से निकाल लो, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। तो अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया तो 6 - 3 वी, मतलब v = 2 meter पर सेकेंड, दैट इज़ द टर्मिनल स्पीड। जनरली इसको VT से डिनोट करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो आपको इसे एक क्वेश्चन से ये क्लियर हुआ कि टर्मिनल स्पीड नाम की क्या चीज़ होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल करते हैं, ध्यान से करना है इसको अच्छे से। द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाई, वही प्रीवियस वाला इक्वेशन है, ठीक है, कि द मोशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द सम इक्वेशन। ये इक्वेशन एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 6 - 3 VT, जो वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये पूछ रहा है द बॉडी वॉज, जब इनिशियल वेलोसिटी, जब टाइम 0 था, ठीक है, द बॉडी VT इज द वेलोसिटी इट्स बॉडी, इफ द बॉडी वॉज एट रेस्ट, जब टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, बॉडी वॉज एट रेस्ट जब टी 0 था। टेस्ट वेयर द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीड, इसमें से कौन सा स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा। तो आप ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, कि एक्सेलरेशन से स्पीड या वेलोसिटी एज ए फंक्शन, यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो मुझे निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को dv/dt लगते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, बताया था ना मैं, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा सारी चीज़ें, कि एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, dv/dt, और इसको मैं लिखूंगा 6 - 3 वी। अब मैं अगर ये वेलोसिटी आ गया, अगर इस वेलोसिटी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
अगर मैं उसको एक बार और वेलोसिटी को dx बाई dt रख दूंगा तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग, ठीक है चलो। तो ये हमेशा याद रखना कि इधर आ जाएगा वेलोसिटी बी और ये इसको मैं उठा के इधर लाऊंगा 6 - 3b, ठीक है ना, और इज इक्वल टू dt, क्योंकि ये इधर वेलोसिटी का ये पूरी वेलोसिटी का फंक्शन है, तो इधर वेलोसिटी इंटीग्रेट हो रहा है तो ये टाइम इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर दूंगा। जब टाइम ज़ीरो था तो वेलोसिटी ज़ीरो थी, ऐसा कंडीशन दिया हुआ। जब टाइम टी हुआ तो वही तो हमें चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वही तो हमारी ज़रूरत है, ठीक है, आया बात समझ में। तो चलो अगर मैं अब इसको निकालता हूँ, इसको मैं करता हूँ, तो इसको हम लोग करते हैं एक बार, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। इसको इंटीग्रेट करने सबको आता है कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग नेचुरल लॉग ln ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ln ए एक्स प्लस बी, साथ साथ डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी से डिवाइड करते हैं प्लस सी, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, कि ln, इसको ln भी लिखा जाता है, नेचुरल लॉग को ln भी, ठीक है। तो 1 by dx इज इक्वल टू ax प्लस bx इस फॉर्म में इंटीग्रेशन तो ऐसे होगा। चलो इसको इंटीग्रेट करो तो ये पूरा बनेगा log 6 - 3b नेचुरल लॉग डिवाइडेड बाई इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करो, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितना होगा -3, और इधर आ जाएगा टी, इंटीग्रेट होके टी होगा, लिमिट ज़ीरो, और इधर जो लिमिट आ जाएगा वो मैं अब लिमिट रखूँगा इसमें 0 to b, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को अब सॉल्व कर लो, यही हमारा सोलूशन देगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अल्टीमेटली सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मुझे मिलेगा, इधर मिलेगा लॉग ई, लिमिट रख रहा हूँ, लॉग ई 6 - 3b माइनस लॉग नेचुरल लॉग 6 - 0 0 हो गया, और ये उधर चला गया -3t, तो -3t तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसको उधर ले गए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग 6 - 3 और डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू -3t, क्लियर है, ठीक है। तो अगर ये इतनी सी बात अगर क्लियर है तो फाइनली इसको सॉल्व कर लो, ये उधर जाएगा तो 6 - 3b दैट इज 6 - 3b इज इक्वल टू e की पावर -3t हो जाता है, ये सबको पता है ना, ठीक है। तो ये हमेशा याद कर लेना, बार बार एक काम आएगा, log x है दैट इज y है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू e की पावर y हो जाता है, या दोनों साइड अगर log ले लोगे, ठीक है, log ले लोगे तो e की पावर y, तो इधर आ जाएगा log x इज इक्वल टू log सेम बेस 1 होता है, ठीक है, log e, तो ये हमें याद होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो तो ये हमें यहाँ से हमें वेलोसिटी चाहिए, तो 6 - e की पावर -3t इज इक्वल टू 3b, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1/3 6 - e की पावर -3t, दिस इज द फाइनल सोलूशन। एक मिनट, यहाँ पे लिटिल बिट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये जो फंक्शन यहाँ पे है तो 6 - 3b/6 इज इक्वल टू e की पावर -3t होगा ना ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बचेगा, समझना इसको, यहाँ से बचेगा तो ये 6 - 3b इज इक्वल टू 6 e की पावर -3t, हमें भी चाहिए तो 6 कॉमन ले लिए तो 1 - e की पावर -3t दैट इज इक्वल टू 3b, तो फाइनली b इज इक्वल टू 2 - e की पावर -3t, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो
वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ई माइनस थ्री टी की पावर टी। अब अगर आपको आगे चाहिए पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिखोगे, डीएक्स अपॉन डीटी, और उसके बाद ये फंक्शन इसको इंटीग्रेट करोगे इधर लिमिट लगा के, तो आगे फ्यूचर में पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछे मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें ये चाहिए, तो वी इज इक्वल टू वन माइनस सी की पावर माइनस थ्री टी। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही है, v इज इक्वल टू वन माइनस थ्री की पावर टी, मतलब c ऑप्शन सही है। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट, आया समझ में। तो इस तरह से हम इस वाले इस टाइप के न्यूमेरिकल को करते हैं। एक और करते हैं, देखो ये पॉइंट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन। चलो एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा, वो रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, तो रिटार्ड हो रहा मतलब कैसे रिटार्ड हो सकता है, रिटार्डेशन मतलब ये होता है कि उस पर फोर्स लग रहा होगा, इधर जा रहा है लेकिन उस पर फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, और उसका एक्सलेशन दिया हुआ है, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर, रिटार्ड हो रहा ना, तो रिटार्डेशन को ऐसे लिखेंगे एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर। ए पॉइंट मूव अंडर द रिटार्डेशन इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, मतलब जब टाइम जीरो था प्यारे बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी यू था, जीरो नहीं था, इनिशियल वेलोसिटी यू था। डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, ठीक है, मतलब टी टाइम में कितना डिस्टेंस गया होगा। अब वही प्रीवियस वाला प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें क्या पूछ दिया, डिस्टेंस पूछ दिया। ठीक है, तो फिर उसी से हम करेंगे। ठीक है, एक्सलेशन को क्या लिखेंगे, बोलो एक्सलेशन को ये लिखेंगे डी बी वाई डी टी, तो एक्सलेशन को ये लिखेंगे डी बी वाई डी टी और माइनस के वी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एक्सलेशन को इतना लिखूंगा, तो अब इसको हम लोग करते हैं, तो एक्सलेशन को अगर मैं इतना लिखा तो डी बी, और ये आ जाएगा माइनस के वी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्चुअली माइनस के को उधर ही रहने देते हैं, वी स्क्वायर को उठा के लेके आते हैं। ठीक है, तो ये इधर मैं लेके आया वी स्क्वायर और माइनस के और ये डी टी। अब मैं प्रॉपर लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि जब तक मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता चलेगा, ठीक है, तब तक मैं पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं पता चलेगा, मतलब टी टाइम में कितना पोजीशन हुआ वो हमें नहीं पता चलेगा। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी भी हुआ। ठीक है, हुआ क्लियर। तो इधर जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वन अपन भी माइनस वन अपन भी u v that is equal to minus k t, इधर आ जाएगा k t। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो v one upon u minus one upon v that is equal to minus k t, ये मिल जाएगा, आया समझ में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो one by v minus k plus k t that is equal to one upon v, मतलब ये हुआ कि वन प्लस यू के टी अपान यू दैट इज इक्वल टू वन अपान वी, मतलब फाइनली जो वी आ जाएगा दैट इज इक्वल टू यू अपान वन प्लस यू के टी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि यू क्या है, कांस्टेंट है, के क्या है, कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, वेरिएबल, भी क्या है, वेरिएबल, दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब इसे क्या चाहिए हमें, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जो क्वेश्चन में ये पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, तो अब मैं इसे निकालूंगा पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, करते हैं इसको दोबारा। तो ये वेलोसिटी को मैं लिखूंगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt दैट इज इक्वल टू यू दैट इज इक्वल टू वन प्लस यू के टी, तो dx इधर ही रहने लगा, dx इज इक्वल टू यू, तो 1 प्लस यू के टी डी टी। अब मैं लिमिट लगा के इंटीग्रेट करूंगा, जब टाइम जीरो था तो पोजीशन जीरो थी। ठीक है, जब टाइम जीरो था तो पोजीशन जीरो थी, टी टाइम बाद जब टाइम टी हुआ तो पोजीशन x हुआ। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब टी टाइम बाद पोजीशन काउंट करना स्टार्ट किया, तो जहां से चली थी टी इज इक्वल टू जीरो से, वहीं से मैं पोजीशन काउंट करना स्टार्ट किया हूं, तो इधर मिलेगा हमें एक्स। ठीक है, इधर मिलेगा हमें एक्स और इधर मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करो, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो यू बाहर आ गया, यू बाहर आ गया, और ये बनेगा लॉग लॉग वन प्लस यू के टी, वन प्लस यू के टी डिवाइडेड बाई, इसके डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड करो, तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा यू के,
और लिमिट रख दिए, लिमिट रख दिए 0 to t। आया समझ में? तो जो x आ जाएगा, u ने u को ख़त्म कर दिया, तो 1/k और लिमिट डाल दो यहाँ, लिमिट t की लिमिट डाल दो, तो log e 1 plus u k t minus log 1, ठीक है, log 1। तो ये अल्टीमेटली मुझे मिल जाएगा, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 रखूँगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/k और log 1 प्लस यू के टी और डिवाइडेड बाई log 1, मतलब ये दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, दिस इज द फाइनली पोजिशन टी टाइम बाद पोजिशन, बट इट बेसिकली दिस इज द पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि log 1/k log यू के टी, तो देख लेते हैं क्या है 1/k log यू के टी, मतलब सी ऑप्शन सही है, ठीक है, दैट इज द सी वन इज द करेक्ट, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ए पार्टिकल मूव, सिमिलर प्रॉब्लम ऐसे करते हैं, ए पार्टिकल मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u। चलो अब पहले ही क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव करता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, मतलब जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी u थी यार, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या थी? u थी। अब कहता है रिटार्ड, इसमें भी रिटार्ड हो रहा है, माइनस अल्फा वेलोसिटी भी, अल्फा इज सम पॉजिटिव कांस्टेंट, अल्फा वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड वी इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। हाउ मच स्पीड ऑफ द पार्टिकल डिक्रीज 75% आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है, टाइम निकालना है, व्हेन स्पीड, जो स्पीड है, स्पीड बी डैश यू डैश बिकेम 75% ऑफ यू, 75% ऑफ यू, ठीक है। हाउ मच टाइम द स्पीड ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज बाई 75% ऑफ यू, मतलब 75% ऑफ यू जो है डिक्रीज हो जाए, मतलब रिमेनिंग मतलब बचा हुआ कितना है, रिमेनिंग समझना, 75% कम हो गया ना, तो बचा कितना है 25% ऑफ यू, मतलब अगर A1 था तो U/4, तो U/4 होने में जो है वो कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है, समझ रहे हो ना भाई, आ रहा ना समझ में? तो चलो, जब एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो मैं आपको एक, ठीक है, एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है तो इसके लिए जो है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस अल्फा वी, ठीक है, लिखेंगे तो यह आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू माइनस अल्फा dt। तो इसको जब लिमिट लगा के इंटीग्रेट करेंगे, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी यू थी, जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी वी हुआ, ठीक है, आया समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर आ जाएगा इसको सॉल्व करो, इधर आ जाएगा log v दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी और ये लिमिट आ जाएगा u और v का, तो लिमिट आ जाएगा u v में, तो इधर आ जाएगा log v by u इज इक्वल टू माइनस अल्फा टी। इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू u e की पावर माइनस अल्फा टी। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब समझना, 75% डिक्रीज हो गया है, ठीक है, 75% डिक्रीज हुआ, तो बचा कितना है 25%, तो 25% बचा है, तो जो v है इस समय, जो v है वो 25% है, तो उस 25% को बचे होने में कितना टाइम लगेगा t निकालना है, मतलब ये जो v है इस समय अगर u/4 है तो ये u है, e की पावर माइनस अल्फा t है और वही टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, तो u ने u को ख़त्म कर दिया, 4 की पावर माइनस 1 और e की पावर माइनस अल्फा t, दोनों साइड log ले लो, तो log ले लोगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर माइनस 1 दैट इज e की पावर माइनस अल्फा t, ठीक है, e की पावर माइनस अल्फा टी। अब देखो तो यह आ जाएगा, कर लो इसको माइनस वन और log 4 दैट इज इक्वल टू e की पावर माइनस अल्फा टी,
ठीक है, तो e की पावर माइनस अल्फा t, दोनों साइड लॉग लिए ना, तो एक मिनट इधर इस साइड भी लॉग लेंगे हम, तो ये इधर मैंने लॉग ले लिया ना, तो मैं इधर भी लॉग लूँगा ना, तो यह जाएगा लॉग e की पावर माइनस अल्फा t, तो इधर e की पावर माइनस अल्फा t बच जाएगा और लॉग e बेस e1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि log 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा t, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 2 ln 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा। ये वो टाइम है जिस टाइम में जो वेलोसिटी है वो 25% बची रहेगी, मतलब 75% हो वेस्ट मतलब डिसिपेट हो गई ये इतने टाइम में, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो इसमें एक और न्यूमेरिकल इस टाइप का बनता है काइनेमैटिक्स में कि अगर एक बिल्डिंग है, समझना इसको, इस बिल्डिंग से मैं एक बॉल गिरा रहा हूँ, द बॉल यहाँ पर एयर है, समझना क्या है, एयर है, ठीक है, तो एयर है, जब एयर है तो अगर मैं यहाँ से बॉल गिराऊंगा तो एयर का रेजिस्टिव फोर्स ड्रॉप कर रहा हूँ, समझना, U इज इक्वल टू जीरो है, अब मैं उसको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आई एम ड्रॉपिंग फ्रॉम U इज इक्वल टू जीरो, अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर रहा हूँ तो एयर का जो फोर्स है वो ऊपर लगेगा और एम जी नीचे लगेगी और ये पार्टिकल नीचे है, एयर का ड्रैग, एयर का रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगेगा, वो जनरली माइनस के बी, हालांकि अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग सेप साइज पे। अभी मैं जो रेजिस्टिव फोर्स है एयर का काइनेमैटिक्स में है, छाइट से गिराया मैं, तो एयर का जो रेजिस्टिव फोर्स है ऊपर लग रहा उसको मैं के भी ले लिया हूँ, तो हम लोग को निकालना है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और एक खास बात होती है इधर कि अगर इस फ्लूइड में अगर यहाँ पे गिराते हो तो कुछ टाइम बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिखते हैं, पार्टिकल नीचे आ रहा है तो एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए नीचे लग रहा है, ठीक है भाई, नेट एक्सलेशन क्या है, नेट एक्सलेशन ए नीचे लग रहा है और ये नेट फोर्स नीचे लग रहा है, दैट इज एम जी माइनस एयर का फोर्स, एम जी माइनस एयर का फोर्स, तो एम जी और माइनस एयर का फोर्स के बी दैट इज द एम ए, ये इसका इक्वेशन है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी भाई। अगर 20 न्यूटन नीचे लग रहा है, ठीक है, और 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो 15 न्यूटन से नीचे आ रहा ना, तो वही लिखा हूँ, ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए माइनस एम जी माइनस के बी। अब इसी को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मुझे पता चले जाएगा कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, कुछ टाइम बाद टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड हो जाएगी, हमें नहीं पता अभी कितना टाइम बाद होगा पर होगा जरूर। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बोलो, टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, वी टी क्या होती है, जब एक्सलेशन जीरो होता है, तो अगर मैं इसमें एक्सलेशन जीरो रखूँगा तो एम जी माइनस कॉन्स्टेंट के और वी टी, ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी जो वी टी आ जाएगी वो एम जी अपान के आ जाएगी। अगर जो अपना रजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जो फोर्स एयर में अपोज कर रहा है, जो फोर्स अपोज कर रहा है, ठीक है, वो माइनस के भी है, तो कुछ टाइम बाद जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो एम जी अपान के होगी, जो कि देख रहे हैं कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, आया बात समझ में। अब हमें निकालना है कि ये कितने टाइम बाद होगा, या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम या पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आएगा। इस इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं मास, एक्सलेशन को मैं लिख सकता हूं डी वी अपॉन डी टी, लिख सकता हूं ना भाई, और माइनस एम जी और माइनस के भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस पूरे को उठा के इधर लाएंगे, ठीक है, और इसको उधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा m अपान एम जी माइनस के बी दैट इक्वल टू डी टी, ठीक है, दैट इज द डी वी, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को, वेलोसिटी का फंक्शन था ना इधर, और ये वेलोसिटी इंटीग्रेट हो रही थी, तो इस वेलोसिटी को उठा के इधर लगाए
अब इसको प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। जब टाइम जीरो था तो हमने ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ। जब टाइम टी हुआ तो हमें वही तो चाहिए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो हमें मिल जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो m इधर आ जाएगा और log नेचुरल log ln mg माइनस kb डिवाइडेड बाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, mg का जीरो हो गया माइनस k, लिमिट गया कितना जीरो टू b और यह आ जाएगा माइनस टाइम, इधर टाइम t आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो जब मैं अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं प्रॉपर लिमिट रखो पहले भी डालो तो इधर आ जाएगा log mg माइनस kb माइनस log और भी की वैल्यू जीरो रखोगे तो mg और इक्वल टू माइनस के टी अपान एम, समझ रहे ना, माइनस के टी अपान एम, ये इसको इधर लाया, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे अगेन तो ये मिलेगा log a माइनस mg माइनस के बी अपान mg इज इक्वल टू माइनस के टी अपान एम। दिस इज द फाइनल। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस के बी अपान एम जी दैट इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी अपान एम, ठीक है। हमें चाहिए वेलोसिटी भी, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी एम दैट इक्वल टू के बी अपान एम जी। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा के भी, तो जो वेलोसिटी भी मिलेगा वो मिलेगा एम जी 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी अपान एम डिवाइडेड बाई के। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब जो टर्मिनल वेलोसिटी था वो एम जी अपान के था, याद करो, ठीक है। वो कब होगा, बहुत लंबे टाइम बाद, व्हेन टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। देखना, टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 अपन 0 हो गया, तो वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी mg अपान k आ जाएगा। जब टी 0 था, ठीक है, टी 0 था तो e की पावर 0 1 हो गया और 1 इन्फिनिटी जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। ये इसको आप ग्राफ से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर यच हाइट की बिल्डिंग से गिराए थे तुम, ठीक है, तो जब यच हाइट की बिल्डिंग से गिराए थे तो कुछ जब टाइम जीरो था, समझना, जब टाइम टी इधर है वेलोसिटी भी है, जब टाइम टी है तो टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो, तो कुछ टाइम बाद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अटेंड होगी, वो कितने टाइम बाद होगी, इनफाइनाइट टाइम बाद। ये जो वेलोसिटी है दिस वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी और ये जाके इसको इन्फिनिटी को टच करेगा, टी इज इक्वल टू अप्रोच टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट टाइम ले जाए, कुछ ऐसा ग्राफ आता है। जबकि ये स्ट्रेट लाइन आता था वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब वैक्यूम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर मीडियम प्रजेंट है, एयर प्रजेंट है, ठीक है। अगर एयर नहीं था तो गिराते थे तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो था तो बी इज इक्वल टू ए टी, ठीक है ना। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्लोप, ऐसे वाली लाइन आती थी, ठीक है, जब ये नो एयर था। एयर आ जाने की वजह से ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। आया समझ में? चलो, तो इसको बोलते हैं एयर ड्रैग का रजिस्ट्री। और आगे आप इसको सॉल्व करना चाहते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। भी को लिखोगे बोलो, dx अपान dt, ठीक है, dx अपान dt,
और इसके बाद डी टी इधर ले जाओगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो टी टाइम बाद आपको पोजीशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली इसमें थोड़ा सा कभी कभी ना जब प्रोजेक्टाइल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रोजेक्टाइल इन एयर, ठीक है, टू डायमेंशनल मोशन, तो उसमें हॉरिजेंटल में भी यूज होगा। मान लो यच हाइट की बिल्डिंग से अभी मैं इसको हॉरिजेंटल में थ्रो कर दिया हूँ, हॉरिजेंटल में यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया हूँ, और एयर का ड्रैग वही लग रहा है, एयर का जो ड्रैग फोर्स है हॉरिजेंटल में वो माइनस के भी हॉरिजेंटल में लग रहा है, ये प्रोजेक्टाइल इन एयर है, ठीक है, एयर है। तो कुछ टाइम बाद अब सिर्फ हॉरिजेंटल में कंसीडर करो, इन हॉरिजेंटल में मैंने एयर में ऐसे किसी बॉडी को फेंक दिया है, ठीक है, तो एयर का ड्रैग जो मैंने कंसीडर कर लिया माइनस के भी पीछे लगेगा, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो इस पर एक ही फोर्स लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इधर वेलोसिटी होगी कुछ टाइम बाद, और ये इधर फोर्स, एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज एम ए, दैट इज इक्वल टू माइनस के बी। तो यहाँ से एम एक्सलेशन ए डी बी बाई डी टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस के बी। तो वेलोसिटी डी इक्वल टू डी वी, डी वी अपन वी इज इक्वल टू माइनस के अपन एम डी टी। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूँगा तो ये आ जाएगा लॉग वी, जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी यू थी, यू थी जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी वी हुआ। अब इसको लॉग कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना इसको, तो ये कहाँ काम आएगा, जब प्रोजेक्टाइल को एयर में थ्रो करोगे तो उस टाइम काम आएगा। इस टाइम वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हॉरिजेंटल में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जबकि हॉरिजेंटल में वेलोसिटी वैक्यूम में कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं लग रहा था। इस समय हॉरिजेंटल में भी फोर्स लग रहा है, वर्टिकल में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू काइनामेटिक्स इन ड्रैगिंग फोर्स, ड्रैग के कंसीडर में, और जब वो वेलोसिटी जो है नॉन यूनिफॉर्मली वेरी करती है, उस टाइप से हमें मतलब हमने सारे कैलकुलेशन किए। आप इसको और ट्राई करना और ऑलमोस्ट हो जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।